जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग द्वारा डीपीएस जुनवानी के परिसर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 17 के विषय पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सोनल गुप्ता ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। श्री गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरटी एक्ट की धारा 17 बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड देने से शिक्षकों को रोकती है। इस तरह की शिकायत आने पर संबंधित शिक्षकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर आज दुर्ग जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और डाइट के तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में डीपीएस जुनवानी के प्रांगण पर यह कार्यक्रम लगभग 150 प्राचार्यों हेडमास्टर की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर अतिथि मेरी उपस्थित रही और हमने इस बात में प्रकाश डाला कि आरटी एक्ट की धारा 17 जो कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक दंड देने से शिक्षकों को रोकती है और इस प्रकार की शिकायत आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना उनको करना रहता है। उद्देश्य यह था कि बच्चों को जितना हो सके विनम्रता धैर्य और सरलता से आप उनके अधिकारों संस्कारों और कर्तव्य कभी बोध कराएं और किसी प्रकार की हिंसा करने से आप बचें, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। वहीं दुर्ग डाइट की प्राचार्या मधुलिका तिवारी ने बताया कि आरटीई एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। इस संबंध में जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश में आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आदेश और उद्देश्य जो है वो जो आरटीई एक्ट 2009 का बाल संरक्षण का जो सेक्शन 17 है उस पर आधारित है, जिसके तहत यह प्रावधान है कि बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना न दी जाए, किसी भी प्रकार की सजा न दिए जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में जागरूकता अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का बहुत सफल संचालन दुर्ग जिले में आज हुआ। जिला स्तरीय कार्यशाला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्राचार्य शामिल हुए।